देखिए इंडियन ग्लैमर। सो गाइस आज आ चुकी हूँ मैं कुछ ऐसे 10 मसालेदार टिप्स के साथ जो आपको कभी भी कोई भी नहीं बता सकता है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि वही किसी पीटी टिप्स में आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तो आप बहुत ही गलत फहमी में हो। आज एकदम नए ताजा ताजा टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ जो आपके मन में होते है। तो गाइस आपके कमेंट के बेसिस पर मैंने ये टिप्स आपके लिए बनाई है और ये टिप्स ना आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। और वीडियो के आखिरी में जो टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ वो किसी वरदान से कम नहीं होने वाला है। तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर बने रहिएगा और सारे टिप्स आपके लिए बहुत ज्यादा काम के हैं। अगर आपने ये वीडियो देख लेना तो आपका सही में भला हो जाएगा। तो इसी बात पे आपको जल्दी से जाके सब्सक्राइब करना है क्योंकि हमारी फैमिली जल्दी से जल्दी 3 लाख की होने वाली है। तो बहुत कम सब्सक्राइबर बचे तो जाओ यार सपोर्ट करो, आपके लिए फ्री है पर मुझे इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है और बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो गाइस जाओ यार, देर किस बात की, हिंदुस्तानी दिल है तो जाओ यार जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी ऑल पे क्लिक जरूर कर देना। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ही है आपको और गाइस बहुत सारे कमेंट करना है ताकि मैं आपके कमेंट के बेसिस पे और भी सारे वीडियोस बना पाऊँ। और गाइस अगर आपको नहीं पता है तो मेरा सेकेंड चैनल भी ओपन कर दिया है जिसका नाम है इंडियन ग्लैमर शॉर्ट्स। उस पर भी मैं शॉर्ट वीडियोस डालना स्टार्ट कर चुकी हूँ और ऑलरेडी मैंने वहाँ पे 3 शॉर्ट्स डाल चुकी हूँ और भी वहाँ पे मैं बहुत ही अच्छे अच्छे शॉर्ट वीडियोस में डालने वाली हूँ। तो गाइस कितना कम सब्सक्राइब करने लग गए हो यार, जाओ यार जल्दी से जाके वहाँ पे भी विजिट करना। वहाँ की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, अब वहाँ पे भी जाके आप उसे सब्सक्राइब कर देना और ढेर सारा प्यार आपको उस चैनल पे भी दिखाना है जैसे आप इस चैनल पे दिखाते हो। तो गाइस चलो ज्यादा बातें नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। बालों को स्लोली स्लोली कॉम करना है आपको क्योंकि गाइस ना बहुत सारे लोग जल्दबाजी में ऑफिस जाना होता है, स्कूल जाना होता है, किधर बाहर जाना होता है तो इतने झड़ाझड़ फटाफट अपने बालों को कॉम करते हैं ना, आधे से ज्यादा 50-60% गलती आप वहाँ पे ही करते हो। आपको एकदम स्मूथली हेयर को कॉम करना है, आपको नीचे से लेके अपर के साइड धीरे धीरे कॉम करते आना है। जिद्दी से जिद्दी टैंगल भी एकदम इजीली सॉल्व हो जाता है। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया ना तो जरूर ट्राई करना, हल्के हाथों से कॉम करना है, हल्के हाथों से कॉम करना है, वो टैंगल और भी जल्दी सॉल्व होगा। अगर आप जोर जोर से किस किस के अगर कॉम करेंगे ना तो वो आपकी जितनी भी पूरी गांठ बन चुकी होती है ना, वो टैंगल जो बन चुका होता है ना वो पूरा उखड़ जाता है जल्दी जल्दी कॉम करने में। और इससे क्या होता है ना, आपके बाल जो है ना वो टूट जाते हैं, आधे हिस्से से ब्रेकआउट होते हैं या फिर स्कैल्प से ही ब्रेकआउट हो जाते हैं और इसके वजह से आपके हेयर जो है ना वो बहुत ही ज्यादा थिन दिखने लगते हैं। तो इस छोटी से टिप्स के ऊपर आप गौर जरूर करना। गाइस बहुत सारे लोगों के दिल में मन में ये सवाल आते रहता है कि हम तो छोटे हैं, मतलब जैसे कि टीनेजर्स हो और अपने बालों पे हमें सीरम या फिर कंडीशनर लगाना चाहिए या नहीं, घर वाले हमें लगाने नहीं देते, उनको लगता है कि क्या ही चीज बालों पे लगा रहे हो, इससे कोई आपके बालों पे हार्म ना हो जाए। तो गाइस आपके दिल का आपके मन का डाउट मैं एकदम अच्छे से क्लियर कर दूंगी क्योंकि ये डाउट क्लियर जो है ना सिर्फ आपको मेरे चैनल पे ही देखने मिलेंगे। तो जाओ जल्दी से लाइक कर दो यार वीडियो को। तो गाइस अगर आप टीनेजर हो, आप मतलब अभी जैसे कि 18 कम्प्लीट हो चुका है, आप बालों को आपके बालों की क्वालिटी को आप अच्छा बनाना चाहते हो तो गाइस आप इजीली कंडीशनर और सीरम दोनों लगा सकते हो। कंडीशनर हेयर वॉश करने के बाद पानी निचोड़ के उसके ऊपर कंडीशनर लगाया जाता है, सिर्फ लेंथ के ऊपर, स्कैल्प पे नहीं लगाना है। मैंने स्कैल्प पे लगाया था टीनेजर में, मुझे नहीं पता था, मेरे बहुत ज्यादा हेयर फॉल हुए थे, मैंने स्कैल्प पे लगाया था शैम्पू के जैसा, मुझे हेयर फॉल को फेस करना पड़ा था बहुत गंदे तरीके से। तो प्लीज यार आप ये गलती नहीं करना, ये गलती आपको मेरे चैनल से एक सीख देती है। तो प्लीज आप आपके स्कैल्प पे कंडीशनर ना लगाए, हेयर लेंथ पे लगाए और सीरम भी आपको हेयर लेंथ पे लगाना है। वो कब लगाना है तो गाइस वो आपको जैसे आप हेयर वॉश करके निकलते हो उसके थोड़ा सा हेयर जब ड्राई हो जाता है, थोड़ी सी बालों में पानी रहता है ना, तभी आपको बालों में अच्छा सा सीरम लगाना चाहिए। तो गाइस सीरम लगाने से आपके बाल बहुत ही ज्यादा स्मूथ सिल्की दिखने लगते है और गाइस इसी के साथ कंडीशनर भी आपके बालों को स्मूथ सिल्की शाइनी बना देता है और बालों में टैंगल इसकी वजह से बहुत ही कम होते है। और गाइस सीरम आप इसी के साथ साथ जब भी आपको ऐसा लगता है कि मेरे बाल बहुत ज्यादा फ्रिजी हो चुके 5 डेज हो गए आपने हेयर वॉश करने का टाइम नहीं मिला है, तभी भी आप बालों को अच्छे से हाथ पे सीरम ले लो, रगड़ लो और अच्छे से बालों पे लगा लो, आपके फ्रिजी से फ्रिजी हेयर भी बहुत ज्यादा अच्छे दिखने लग जाएंगे। तो ये टिप्स को आपको जरूर फॉलो करना।
थर्ड टिप ये है कि बहुत से लोगों ने इतने सारे वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे भी कि मतलब विटामिन ई आपके बालों के लिए इतना ज्यादा फायदेमंद है, और मैंने भी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ और उस पर आपका रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा अच्छा भी आया है। उसकी भी वीडियो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर वीडियो के एंड में मैं जरूर देखूंगी। लोगों को वो वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई, अगर आपने नहीं देखी तो वो वीडियो भी जाके जरूर देखना। तो गाइस बहुत से लोगों के मन में ये सवाल जरूर होता है कि विटामिन ई की कैप्सूल आती है तो क्या हम रोजाना एक कैप्सूल खा सकते हैं या नहीं। जहाँ तक मुझे मालूम है कि जहाँ आप कैप्सूल खा सकते हो विटामिन ई कैप्सूल, मैं 400 mg की मैं लेती हूँ। तो गाइस मैं फिलहाल तो नहीं खाती हूँ क्योंकि मुझे कोई जरूरत नहीं है अभी फिलहाल, मैं सिर्फ अपने बालों के लगाने के लिए यूज करती हूँ। पर खाने वाले खा सकते हैं, 10 days आपको खाना है और 10 days में आपको ब्रेक लेना है, नहीं तो इसके साइड इफेक्ट्स आपको देखने मिल सकते हैं। तो आपको 10 days आपको खाना है, 10 days ब्रेक लेना है, 10 days खाना है। प्लीज गाइस आप इसे डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लेना और उसके बाद ही आप इसे खा सकते हो। आपके मन में बहुत से सवाल आए होंगे और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने यानी कि यहाँ तक कि मैंने भी आपको बोला है कि बालों को कट करना चाहिए या नहीं। तो गाइस ये सारा सवाल जो है ना, ये हर किसी के मन में होता ही है कि बाल लंबे करने के लिए बालों का बलिदान देना जरूरी है। तो गाइस नहीं, आपको बाल कट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके बालों के नीचे आपके यहाँ पे बालों के एंड्स में अगर बहुत ज्यादा स्प्लिट एंड्स हो गए तो डेफिनेटली आप उसे कट कर सकते हो, पर ज्यादा नहीं। जहां तक आपके स्प्लिट एंड्स है वहां तक कट करिए और उसके बाद आप बालों की इतनी केयर करिए कि बालों में स्प्लिट एंड्स होने ना दो और बालों को अच्छे से ग्रो करने में भी हेल्प होगी। तो गाइस मेरे तरफ से अगर मुझे पूछेंगे कि बालों को कट करना चाहिए या नहीं, तो गाइस मैं आपको कहूंगी कि आपको 6-6 महीने में कट करने की कोई भी जरूरत नहीं अगर आपको स्प्लिट एंड्स नहीं है। ये अगर आपको स्प्लिट एंड्स है तो आप 6 month में अपने बालों को हल्का सा कट कर लें, वो भी कितना, ओनली ऑन 1 inch कट करना है, फिर भी आप देखेंगे आपके बालों में अलग लुक आ जाता है। तो गाइस अगर आपको बाल लंबे करने हैं तो बालों को कट ना कीजिए, और करना ही है तो 6 month में आप कीजिए अगर आपको स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम है तो। क्या वुडन की कॉम यूज करनी चाहिए? वुडन की कॉम यूज क्यों करनी चाहिए? और अगर हम यूज कर भी लेते हैं तो हमारे बालों को वुडन की कॉम सूट क्यों नहीं होती है? तो ये सवाल तो आपके मन में जरूर आया होगा और मुझे भी इसके बारे में काफी सारे सब्सक्राइबर्स ने पूछा है। पर उसके पीछे का रीजन क्या है, बहुत से लोगों को वो सूट नहीं होती है, तो उसको क्या करना चाहिए वो आपकी इंडियन ग्लैमर बताएंगी। जी हाँ, तो गाइस आ रहे ना वीडियो देखने के लिए, मजा कितने अच्छे अच्छे टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँ, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा और भी अच्छे अच्छे टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो गाइस इसका जवाब है कि जी हाँ, आपको वुडन की कॉम यूज करनी चाहिए, खास तौर पे विंटर में। वुडन की कॉम जो है ना आपके बालों में फ्रिक्शन से ना के बराबर करते हैं। अगर जिनको नहीं मालूम है यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ, इसे फ्रिक्शन कहते हैं। एक एक बाल ना ठंडी में आपके कपड़ों क्लोथ की वजह से भी एक एक बाल ऐसे सिंगल उड़ने लगते हैं और उसको कॉम करते वक्त बीच में से ब्रेकआउट हो जाते हैं और आपके बाल नीचे से बहुत ज्यादा थिक, ऊपर थिक लगते हैं और नीचे थिक लगते हैं। तो गाइस आपको वुडन की कॉम यूज करनी, आपको इससे काफी ज्यादा मदद मिलेगी। बहुत से लोगों को वुडन की कॉम सूट नहीं होती, यहाँ तक कि आपके इंडियन ग्लैमर को भी नहीं सूट हो रही थी, पर मैंने क्या किया कि इसे कंटिन्यूसली यूज किया, मुझे 1-2 week तक वो सूट नहीं हुआ। उसके बाद मेरे बालों को वो वुडन कॉम की हैबिट हो गई, आदत हो गई, तो ना धीरे धीरे मेरे बालों को अभी वुडन की कॉम ही सूट होती है और उससे मेरे बाल बहुत ही ज्यादा कम टूटते हैं। और जिनको सूट नहीं होती वो कंटिन्यूसली 1-2 week तक यूज करो, आपको भी वो सूट होना स्टार्ट हो जाएगी। टिप नंबर 6, सबसे बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल यही है कि दीदी बालों को कब कब धोना चाहिए, कितनी बार धोना चाहिए। तो गाइस ये सवाल मुझे बहुत ज्यादा पूछा गया है, इसलिए मैं आज आपको इसका आंसर देने वाली हूँ। कि और मुझे ये भी पूछते हैं कि आप कब कब हेयर वॉश करते हो, तो मैं इसका आंसर देना चाहती हूँ कि मेरे हिसाब से मैं वीक में एटलीस्ट 2 बार हेयर वॉश जरूर करती हूँ। इसका रीजन ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके बालों में डैंड्रफ होना स्टार्ट हो रहे वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं और धीरे धीरे वो खत्म हो जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि हेयर आपकी स्कैल्प जो है वो नीट एंड क्लीन रहती है, आपके बाल भी बहुत ही ज्यादा नीट एंड क्लीन रहते हैं और बालों में टैंगल्स जो है वो बहुत ज्यादा कम होते हैं, पसीना जो रहता है वो निकल जाता है। इसके लिए मैं वीक में एटलीस्ट 2 बार तो भी जरूर रेकमेंड करूंगी। बालों को कौन सा शैम्पू एंड कौन सा ऑयल लगाना चाहिए, ये मुझे हर एक न्यू सब्सक्राइबर मुझे बहुत सारे कमेंट करते हैं कि बालों को कौन सा ऑयल एंड शैम्पू लगाना चाहिए, कौन सा ऐसे बालों को आप लगाते हो जिससे आपके बाल इतने ज्यादा लंबे हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि हाँ, शैम्पू जो है वो आपके बालों को नीट एंड क्लीन करने का काम करता है, बालों को एक अच्छी हेल्दी लाइफ देने का काम करता है, पर वो बालों को लंबा करने में मदद करता है ये कम हद तक सही है।
ज्यादा हद तक सही नहीं है क्योंकि वो काम करता है, क्योंकि वो नीट एंड क्लीन रखता है आपके बालों को और उसके अंदर अच्छे इंग्रेडिएंट्स है तो वो और भी आपके बालों की क्वालिटी को अच्छा रखता है। इसकी वजह से आपके बालों को जल्दी ग्रो होने में थोड़ी बहुत हेल्प मिलती है। पर अगर ऑयल की बात करें तो मैं ऑयल यूज करती हूँ, अगर मैं ज्यादातर मुझे शैम्पू एंड जो भी ऑयल्स रहते हैं वो ज्यादातर मैं कोलैबोरेशंस करती हूँ, मुझे ब्रांड की तरफ से ही आते हैं तो गाइस मैं वही यूज करती हूँ। सारे के सारे मुझे सूट होते हैं तो मैं सारे यूज करती हूँ, क्योंकि जो भी मैं प्रोडक्ट चूज करती हूँ ना वो सारे केमिकल फ्री होते हैं, फ्रेग्रेंस फ्री होते हैं। इसके लिए मैं बेझिझक यूज करती हूँ, मेरे बालों को वो सूट भी करता है। तो गाइस अगर मेरी तरफ से अगर आप पूछेंगे कि जब मुझे मेरा यूट्यूब स्टार्ट नहीं हुआ था, मेरे पास जब ये इतने सारे प्रोडक्ट नहीं थे, तब मैं कौन सा ऑयल एंड शैम्पू यूज करती थी, तो गाइस मेरा जवाब है तब मैं पैराशूट का कोकोनट ऑयल यूज किया करती थी, कैस्टर्ड ऑयल यूज किया करती थी और गाइस इसके साथ ही साथ मैं उसके अंदर ऑलिव ऑयल भी यूज किया करती थी। ये तीनों ऑयलों को वार्म करके मैं अपने बालों पे लगाती थी, ओवरनाइट रखती थी, नेक्स्ट मॉर्निंग में माइल्ड शैम्पू से हेयर वॉश कर देती थी। अभी एक क्वेश्चन आता है, दीदी आपका माइल्ड शैम्पू है कौन सा? तो गाइस कभी कभार मैं क्लिनिक प्लस भी यूज कर लिया करती थी और कभी कभार हेड एंड शोल्डर भी यूज किया करती थी। दोनों भी मुझे बहुत ही अच्छे से सूट हो जाया करते थे, पर जरूरी नहीं है जो चीज मुझे सूट करे वो आपको भी सूट होनी ही है। इसके लिए मैं एकदम केमिकल फ्री वाले शैम्पूज आपको रिकमेंड करती हूँ खुद के ऊपर ट्राई करने के बाद। तो गाइस आई होप आपको इसका जवाब मिल चुका होगा। बालों को जल्द से जल्द लंबा कैसे करें दीदी, हमें जल्द से जल्द बताओ। मतलब यू नो एक हफ्ते में, दो हफ्ते में, एक महीने में हमें इतने बाल लंबे करने हैं कि हमारे बाल जो है वो हमारी एड़ियां चूमे। तो गाइज मैं आपको इसका आंसर देना चाहती हूँ कि बाल इतने भी ज्यादा लंबे नहीं बढ़ते हैं, भले आप कोई भी एकदम अच्छे से अच्छी रेमेडी लगा लो या फिर अच्छे से अच्छा कुछ भी कर लो, लंबे होते हैं, असर करता है हर चीज का, पर उसके लिए एक टाइम लगता है, एक टाइम पीरियड लगता है उसको ग्रो होने में, उसकी क्वालिटी अच्छी होने में। ग्रो होंगे दो महीने में, एक एक इंचेस, दो दो इंचेस जो है वो आपको मंथ टू मंथ जो है वो बढ़ते रहेंगे। और तो अभी मैं आपका आंसर दे दूं, अगर आपको सही में बालों को जल्दी लंबा करना है तो आप आपके बालों को एक्सरसाइज किया करो। तो गाइस एक्सरसाइज करने के लिए मैंने अलग से वीडियो भी बनाई है, तो वो भी वीडियो मैं वीडियो के एंड में जरूर दे दूंगी, आप उसे भी जरूर देख लेना। सोते वक्त बालों की पोजीशन क्या होनी चाहिए? सोते वक्त मैं खासतौर पे एकदम ढीला बन बनाती हूँ, क्योंकि ना ढीला बन जब मैं बनाती हूँ ना तो वो अलग से मतलब उसको एक अलग सपोर्ट मिल जाता है तकिए का, और मेरे को भी अच्छे से आराम से बिना किसी डिस्टर्बेंस के मैं सो सकती हूँ। क्योंकि अगर यहाँ पे मेरा बन रहता है या फिर कुछ भी यहाँ पे रहता है क्लिप क्लच तो मुझे बहुत ज्यादा हेडेक होता है, इसलिए मैं हाई बन बनाती हूँ और उसे इतना ढीला रखती हूँ कि मतलब मुझे कोई भी प्रॉब्लम ना हो और मैं अच्छे से मूवमेंट भी कर सकूं। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको ये बता रही हूँ। पर अगर आपको बाल खोल के सोने की आदत है तो सोने से पहले बालों को अच्छे से कॉम कर लो और बालों को एक ही पोजीशन में रख दिया करो एंड देन आप अच्छे से सोया करो। अगर आपको बाल लंबे करने हैं, आपको कोई भी होम रेमेडी सूट नहीं करी है, कुछ भी लगा लो, कुछ भी होम रेमेडी हमको बनानी ही नहीं है और हमको सूट करती भी नहीं है, अगर आप ये सब नहीं करना चाहते, इन सारी चीजों को साइड में रखना चाहते हो, तो आपको ये चीज जरूर करनी चाहिए, वो है एक्सरसाइज। आपको दिन भर में एक एक्सरसाइज जरूर करनी है। और अगर आप जानना चाहते हो कि क्या क्या एक्सरसाइज है, बहुत ही ज्यादा आसान है, इतनी ज्यादा आसान है कि क्या ही मैं आपको बताऊं, उसकी पर्सनल वीडियो मैंने बना चुकी है, उसकी लिंक मैं आपको दे दूंगी या फिर वीडियो के एंड में लगा दूंगी, तो गाइस प्लीज आप वो दोनों वीडियो जरूर देखना। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, आई होप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस अगर आपको भी मेरे जैसे लंबे घने अच्छे बाल बनाने हैं तो गाइस आपको इन सारे टिप्स को फॉलो जरूर करना है, और ये जितने भी टिप्स है ना आई स्वेयर सारे टिप्स जो है वो बहुत ही ज्यादा काम के, 100% काम के है। आप इन सारे टिप्स को ऊपर जरूर फॉलो करना अगर आपको लंबे बाल करने हैं। मैंने भी इन सारे टिप्स को फॉलो किया है, मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मैंने ये सारे टिप्स आपके साथ शेयर किए हैं, आपको ये सारे टिप्स कोई भी नहीं बताएगा, मैं सच के लिए। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है ना, यहाँ तक ये वीडियो देख ली, मतलब आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई है और ये वीडियो आपके काम की थी इसलिए आपने यहाँ तक ये वीडियो देख ली है, तो गाइस प्लीज यार एक सब्सक्राइब कर दो, आपके लिए फ्री है, मुझे इससे बहुत ज्यादा मोटिवेट लगता है और हमारे 300 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं, तो गाइस यार जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो यार और बेल आइकन को भी ऑल पे जरूर क्लिक कर देना। और गाइस प्लीज वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करना, और मेरे दूसरे शॉर्ट चैनल के लिंक मैं दे दूंगी, वहाँ पे भी जाके आपको सब्सक्राइब करना है, ढेर सारे सब्सक्राइब करना है, और वहाँ पे मैं सबके कमेंट पे मैं लाइक दे रही हूँ और सबके कमेंट पे मैं कुछ ना कुछ कमेंट जरूर कर रही हूँ। तो गाइस देर की बात की, जाओ जल्दी से जाके वहाँ पे भी कमेंट करना स्टार्ट कर दो, वहाँ पे मैं आपको सबको लाइक मैं दे रही हूँ, जाओ जल्दी से जाके वो चैनल पे भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए।